मुगल शासन काल में बहुत ही अच्छे बादशाहों की गिनती में जिनका नाम आता है वो है बादशाह अकबर। साथियों, बादशाह अकबर सबसे कम उम्र में बादशाह बनाए गए थे। एक सबसे गजब की बात है कि बादशाह अकबर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन शासन बहुत ही अच्छा चलाया उन्होंने। तो साथियों, मैं हूँ इस टाइम बादशाह अकबर की जहाँ पर कब्र है, ये आगरा सिकंदरा में स्थित है। आज मेरा यह टूर आगरा सिकंदरा के लिए है। तो साथियों, जुड़े रहिए YouTube चैनल DS ट्रेवल ब्लॉग से। के मेन दरवाजे से प्रवेश करते हुए अंदर। दोस्तों, मुगल बादशाह अकबर ने इस मकबरे का निर्माण 1556 में शुरू कराया, जो कि 1505 तक चला। वर्गाकार योजना का यह मकबरा 5 तल ऊंचा है, जिसका प्रत्येक तल क्रमश छोटा होकर इसे पिरामिड नुमा आकार देता है। अकबर का मकबरा, जिसे सिकंदरा भी कहते हैं, यह लोदी स्थापित कला पर आधारित 5 मंजिली इमारत, जिसमें सबसे नीचे अकबर की कब्र है। सिकंदरा की 5वीं मंजिल सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। बाकी पूरा मकबरा लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस ऐतिहासिक मकबरे का निर्माण भारत के प्रसिद्ध मुगल शासक बादशाह अकबर ने शुरू कराया। उनके बाद में उनके बेटे जहांगीर ने इस कार्य को संपन्न कराया। ए कब्रिस्तान, तेरा हिसाब बड़ा नेक है, अमीर हो या गरीब, सबका बिस्तर एक है। चलिए, अब हम आपको भारतीय इतिहास से रूबरू कराते हैं। मुगल वंश और भारतीय इतिहास के महानतम बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का मकबरा यहाँ सिकंदरा में स्थित है। हुमायूं के पुत्र और बाबर के पौत्र अकबर ने सन 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक भारत में शासन किया। और यही नहीं साथियों, बादशाह अकबर ने काबुल से लेकर आसाम और कश्मीर से लेकर
हैं साथियों, काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिलता है। है भी काफ़ी सुंदर। जो कलाकृति है, जो बनावट है आगे, वो बाकी देखने योग्य है। कारीगरों ने बड़ी ही मेहनत से इसे तैयार किया है। काबिली तारीफ उन कारीगरों के लिए। सेम वही देखने को मिलेगा।